डॉक्टर खुराना, ये सारा सिस्टम है क्या? किको, ये एक सोलर चार्ज बैटरी है जिससे दिन भर में सूरज की रोशनी से इतनी एनर्जी कलेक्ट होगी कि पूरी सन सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। डॉक्टर खुराना अंकल, एक वर्ड में पूछूं तो? हाँ। जब भी सनलाइट इस सोलर पैनल पर पड़ेगी तो ये उसे चार्ज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा और फिर बाद में इस बैटरी में जमा एनर्जी से पूरे सन सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। उरी मोरी मदर, इतनी छोटी सी बैटरी में इतनी बड़ी पावर, ये सुन के मुझे भी बड़ी वाली भूख लग गई। कुछ खा लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया इन्वेंशन है डॉक्टर खुराना। अब हमारी सन सिटी भी नेचुरल और सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेगी। अय्यो, इसका मतलब अब लाइट का बिल भी कम आएगा जी। डॉक्टर खुराना, एक बार डेमो तो दिखाइए। अभी लोकी को गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। मैंने सन सिटी की सारी मेन लाइंस ऑफ करके इस सिस्टम से कनेक्ट कर दी है। अब ये बैटरी लगाते ही सारी सन सिटी चमक उठेगी। बैटरी तो सच में पूरी सन सिटी को रोशन कर सकती है। दो वर्ड्स में कहूँ तो सुपर अमेजिंग। अमेजिंग से भी ज्यादा अमेजिंग, सुपर डुपर अमेजिंग। कुछ खा लेता हूँ। गिरी 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 बिजली गिरी। क्यों डॉक्टर खुराना, तुमने मुझे पहचाना? स्पाकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। अपना तोहफा कबूल करने आया था। डॉक्टर खुराना, ये स्पार्की अंकल कौन है? ये स्पार्की मेरे साथ कॉलेज में था। स्पार्की भी मेरी तरह एक साइंटिस्ट बना, पर फर्क ये है कि मैं लोगों की भलाई के लिए इन्वेंशंस करता हूँ और ये तबाही के लिए। एकदम करेक्ट बोला डॉक्टर खुराना। अब आया है स्पार्की का जमाना। देखो, मैंने भी ये इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीफाइंग सूट बनाया है जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को मेरी मर्जी के मुताबिक अलग अलग शेप्स और अलग अलग पावर्स में डिवाइड करता है। पर तुम्हारी इस बैटरी के बिना मेरा इन्वेंशन अधूरा है। गिरी 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 बिजली गिरी। थैंक यू डॉक्टर खुराना। अब देखो, मैं तुम्हारे इस इन्वेंशन से, इस बैटरी और मेरे इन्वेंशन इस सूट से क्या कोहराम मचाता हूँ। और ये सूट सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज भी करता है। हेलो स्पार्की अंकल, आप ये बैटरी लेकर रॉन्ग कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इसे वापस करके राइट कीजिए। इज दैट सो? नहीं तो क्या कर लोगे तुम? स्पार्की अंकल, अगर आप नहीं माने तो मुझे आपसे फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज आई ऑलवेज फाइट फॉर द राइट। ओहो, चींटी होके हाथी से पंगा? अय्यो, चींटी अगर हाथी का सूंड में घुस जाए तो हाथी से कद तक कले करवाने को सकता। टोनी बॉस, हीरो बनने का यही मौका है। अपने मुक्के से स्पार्की को ढेर कर दो। सही बोला, अभी लो। ए, 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 ए,
मुक्का यानी हुड़ हुड़ हुक्का। बड़बड़ करती जुबान एक झटके से सुम हो गई। एक ही फटके में टोनी बॉस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गिरी 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 बिजली गिरी। बच्चे अगर मुझे छुआ भी तो किसी और को छूने लायक नहीं बचेगा। बैटरी हजम, काम खत्म, अब मैं चला। R7 भी ब्लिंक कर रही है। अब लगता है मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, स्पार्की एक बहुत ही पावरफुल बैटरी लेकर भाग रहा है, हमें उसे रोकना होगा। ओके बड़ी, लेट्स गो। स्पीडो, स्पार्की की सारी पावर्स उसके सूट में है। उसके सूट को कवर करने के लिए फॉर्मूला नंबर 97 लगाओ। ऑलराइट कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 97। स्पार्की को रबर की कोटिंग से ढक देता हूँ, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी ना उस कोटिंग के बाहर आएगी और ना ही तबाही मचा पाएगी। मान जाओ स्पार्की, वो बैटरी लौटा दो। इस इंसुलेशन कोटिंग की वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रिक पावर काम नहीं करेगी। बच्चे, तुमने अभी तक इस सूट की खास पावर कहाँ देखी है? अब देखो, इस सूट का हीट मोड एक्टिवेट करते ही ये सारा रबर मेल्ट हो जाएगा। गिरी 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 बिजली गिरी। बहुत खेल लिया पकड़ा पकड़ी, अब करूंगा ऐसी की तैसी। ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले सारे टूल्स अब मेरे इशारों पर चलेंगे। रबर फेंकने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब देखो मैं कैसे अपने हाई करंट से तुम्हारे पूरे सिस्टम का फ्यूज उड़ा देता हूँ। कीको, कुछ करो वरना इस हाई करंट की वजह से सच में मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। एक सेकेंड सुपर स्पीडो, मैं कुछ सोचता हूँ। सुपर स्पीडो को बचाने का एक ही रास्ता है, थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो को तो तुमने बचा लिया, पर अब तुम्हें कौन बचाएगा? गिरी 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 बिजली गिरी। इसका मतलब सूरज डूबने के बाद ये बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं होगी। मुझे इसकी पावर को सुबह तक बचा के रखना होगा। अब आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे मच्छर पे मैं अपने बैटरी की पावर वेस्ट नहीं करना चाहता। गिरी गिरी गिरी
बिजली गिरी। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मेरा सिस्टम रिबूट होके ठीक हो चुका है। तुमने सही टाइम पे मुझे R7 में रोल बैक करके बचा लिया कीको। थैंक यू। ईश मम्मी, हमारी सन सिटी तो अंधेरे में डूब गई। जूनियर संभल के चला करो। अंधेरे से निकले चमगादड़ ने सुबह की रोशनी में नहाई तितली से दोस्ती कर ली। सर पहली में कह रहे हैं कि स्पार्की ने सन सिटी के साथ और भी कई सिटीज की इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट कर दी है। पर स्पार्की ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उनके पास रहे और वो उसे अपने हिसाब से तबाही मचा सके। आप लोग घबराइए मत, किको और सुपर स्पीडो के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सन सिटी के साथ बाकी सिटीज की इलेक्ट्रिसिटी भी वापस ला के रहेंगे। आज मेरा मूड नहीं है, वरना एक बार तो मैंने ऐसी एक बैटरी चोर को पकड़ के उसकी ऐसी खबर ली थी कि वो आजकल मोबाइल बैटरी की दुकान खोल के खुद बैटरी बेचता है, वो भी डिस्काउंट में। सच्ची अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर ढेर सारी मोबाइल बैटरीज गिर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था? मुझे एक बात समझ में नहीं आई कीको, जब टोनी ने स्पार्की को पंच मारा तो उसे करंट नहीं लगा, मगर जब तुमने उसे किक मारी तो तुम्हें करंट क्यों लगा? क्योंकि टोनी ने ग्लव्स पहन के स्पार्की को पंच मारा था, और ग्लव्स रबर के बने होते हैं और रबर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, इसीलिए टोनी को करंट नहीं लगा। समझ गया, कीको ने जब किक मारी तो उसकी टांग स्पार्की के सूट को टच हो गई, इसीलिए उसे करंट लगा। वाह, इसी बात पे मुझे भूख लग गई, कुछ खा लेता हूँ। इसलिए कीको, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, इन्हें पहनने से अगर तुम स्पार्की को टच भी करोगे तो भी तुम्हें करंट नहीं लगेगा, स्पार्की से फाइट के दौरान तुम्हें काम आएगा। वैसे स्पार्की इस वक्त है कहाँ? मेरी खुफिया खबर के मुताबिक वो इस वक्त मून सिटी की इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट करने गया है। मगर हम स्पार्की को हराएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। स्पार्की हर मेटल की चीज से अपनी इलेक्ट्रिसिटी की थ्रेड कनेक्ट करके तबाही मचाता है, तो अगर हम स्पार्की को ऐसी जगह घेरे जहाँ कोई मेटल ही ना हो तो? अयो, हम समझ गया किको, तुम स्पार्की को वो पुराना वाला स्क्रैप फैक्ट्री में लेके आओ, बाकी हम सब रेडी करके रखेगा। अब सारी वायर्स ही तोड़ दी तो इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर तक जाएगी कैसे? अब जब वो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की भीख मांगते हुए आएंगे तब मैं उनके सामने ढेर सारे पैसों की डिमांड रखूंगा। गिरी 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 बिजली गिरी। सुपर स्पीडो, इस बार कुछ भी हो जाए पर तुम स्पार्की को खुद से टच मत होने देना। डोंट वरी बड़ी, अगर तुम्हारे पास ये रबर के ग्लव्स हैं, तो मेरे पास ये इंसुलेशन लेयर, इसके होते करंट मेरे थ्रू कभी पास नहीं हो सकता। सुपर स्पीडो, हमें किसी भी तरह सुबह होने से पहले स्पार्की को उलझा के उसकी बैटरी को डिस्चार्ज करना होगा, वरना सुबह होते ही जैसे ही सन निकलेगा उसकी बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी। डोंट वरी बड़ी, हो जाएगा, वैसे भी लोगों को उलझाने में मैं माहिर हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ये क्या किया सुपर स्पीडो? सॉरी कीको, मुझे लगा स्पार्की को उलझाने का यही सही तरीका है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, स्पार्की से फेस टू फेस पंगा पिछली बार तो छोड़ दिया था, मगर अब नहीं छोड़ने वाला। सुपर स्पीडो, जल्दी से उस पुरानी वाली स्क्रैप फैक्ट्री में चलो। यस ब्रो, लेट्स गो। बहुत तेजी दिखा रहे हो, अभी बताता हूँ। सुपर स्पीडो,
फॉर्मूला नंबर 265 लगाओ। गोल्डन आइडिया कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 265। ये। इतनी होशियारी, बच्चा समझ के गलती की मैंने, पर अब नहीं छोड़ने वाला। बच्चे गलती कर दी इस पुरानी फैक्ट्री में घुस के, इसके अंदर तो मुझे और भी हथियार मिल जाएंगे। अब देखता हूँ कहाँ बच के भागोगे किको और सुपर स्पीडो। गिरी 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 बिजली गिरी। अब आएगा मजा जब मेरा करण देगा तुमको सजा। ये कैसे हुआ? ये तो मेरी इंसुलेशन कवरिंग का कमाल है। इंसुलेशन कवरिंग तुम पर है, पर इस छुटंकु पर तो नहीं। नो, तो तुम दोनों पूरी तैयारी से आए हो, पर गलत जगह पर आए हो। गिरी 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 बिजली गिरी। अब देखना मैं कैसे इन मशीन्स को जिंदा करके तुमसे लड़वाता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन टेम्पो अन्ना इज ऑडिबल। समझा तुम? जिसको तुम असली मशीन समझता वो दिखने में असली है पर है ही नहीं। हमने लकड़ी और थर्माकोल की मशीन्स बना के उसको असली पेंट से पेंट कर दिया है, इसलिए देखने में असली दिखता है। अब बिना मेटल के यू हैव नो मेटल। टेम्पो अन्ना, मेयर अंकल, आप लोग निकलिए और बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। ओके किको, चलो मेयर जल्दी। देर में सुबह हो जाएगी, हमें जल्दी से स्पार्की से वो बैटरी छीन लेनी चाहिए। तुम कहो तो मैं इसे अभी। नहीं सुपर स्पीडो, वो अकेला है तो मैं भी उससे अकेला ही लड़ूंगा। गिरी 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 बिजली गिरी। सुनो स्पार्की, मुझे वो बैटरी दे दो। मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मेरी बात मान लो तो ही अच्छा है। ओके किको, जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना हाथ तो दो। गिरी 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 बिजली गिरी। फैक्ट्री के अंदर नकली मशीन तो रख दी, पर छत पे पड़ी इस लोहे की शीट के बारे में तो भूल ही गए। अब दिखाता हूँ तुम्हें स्पार्की की असली ताकत। गिरी 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 बिजली गिरी। किको, सनराइज होने वाला है, कुछ करो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 247 लगाओ। ओके किको, अप्लाई फॉर्मूला 247। बहुत फॉर्मूला खेल लिया तुमने, अब जाके बाहर की सैर कराओ।
से मेरी इंसुलेशन लेयर टूट गई है। अब देखो मैं अपने करंट से तुम्हें कैसे तोड़ता हूँ। सनराइज तो हो गया है। मुझे सन की लाइट पहुंचने से पहले ही स्पार्की के सूट से वो बैटरी अलग करनी होगी। मेरी बैटरी का चार्ज तो खत्म हो गया है, पर एक बार मेरी बैटरी पर सनलाइट पड़ेगी वो फिर से चार्ज हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपने करंट से हमेशा हमेशा के लिए डिस्चार्ज कर दूंगा। गिरी 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 बिजली गिरी। कीको, स्पार्की के सूट की बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है। सनलाइट जाने से पहले वो बैटरी उससे अलग करने का यही सही मौका है। खटमल का उठा के कीचड़ के दलदल में फेंकने का टाइम आ गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। तुम ठीक तो हो ना सुपर स्पीडो? बिल्कुल टन 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 टन। ऑल वेल कीको।